हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएमए फाइनल कॉस्ट ऑडिट पेपर का जून 19 का पेपर एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि इसका सजेस्टेड आंसर आ चुका है। लास्ट टाइम हमने जब देखा था तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर के थ्रू देखा था, अब हम सजेस्टेड आंसर के थ्रू देखेंगे और कुछ नई लर्निंग होगी तो उसको भी सीख लेंगे। पेपर बहुत ईजी था ये वाला जून 19 का। पहले हम लोग एमसीक्यू में चल रहे हैं, थोड़ा बहुत मार्किंग वगैरह मैंने करके रखा है जिससे हमारा समय बचे। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग्स द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन। ओके, सो वन मार्क इज फॉर द करेक्ट चॉइस एंड वन मार्क इज फॉर द जस्टिफिकेशन और वर्किंग्स। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं एज यू नो। So we have first question, ORS Limited is a multi-product company having annual turnover of rupees 103 crore. Table A items under Caro being 26 crore and table B items rupees 8 crore and the rest are not covered in either of the tables. Cost audit will be, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद हो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए रूल्स आपको सिखाया हुआ है, 100 करोड़ अगर पार कर जाए और फिर टेबल ए और बी मिलाकर अगर 25 करोड़ पार करता है तो सिर्फ टेबल ए का, और 35 करोड़ पार कर जाता है तो टेबल ए भी, दोनों का ऑडिट होगा। तो अकॉर्डिंगली आंसर क्या है, सिर्फ टेबल ए का। सेकेंड क्वेश्चन है, द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट पीरियड इज। देखिए वेजेस ऑफ किसका वेजेस पूछ रहा है, एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है, तो वो एक्सक्लूडेड होगा। और भी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा इसके लिए कमेंट किया था कि पास्ट पीरियड है सर, इसलिए क्या पास्ट पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, मेन पॉइंट आ रहा है एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन कॉस्ट स्टेटमेंट, दिस इज द लास्ट स्टैंडर्ड। और बाकियों का भी स्टैंडर्ड नंबर मैंने बता दिया कि ओवरबर्डन रिमूवल का नंबर है 23, रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी का नंबर है 20 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है 15। देन फिगर्स बिलो आर अवेलेबल फॉर रिलायबल लिमिटेड, बजटेड प्रोडक्शन इज 800 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इज 25, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 576 यूनिट्स एंड एक्चुअल वर्किंग आवर्स इज 12,000। वॉट इज़ द एफिशियंसी रेशियो? एफिशियंसी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स। सो एक यूनिट का आवर आपको दिख रहा है 25 इंटू एक्चुअल आउटपुट है हमारा 576। सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट आ गया डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स, तो इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है आप देखिए 120%, 25 into 576, ओके। इसमें ये बजटेड प्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है, ऑफ दिस इज ऑफ नो यूज। नेक्स्ट, मशीनरी यूज्ड इन डिफेंस स्पेस एटॉमिक एनर्जी सेक्टर एंड फुलफिलिंग टर्नओवर क्राइटेरियाज अंडर अनरेगुलेटेड सेक्टर, याद है ना? ये सब मशीनरी जितने भी होते हैं सब अनरेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर में तो गिन के 6 कंपनीज ही हैं, 6 तरह की इंडस्ट्रीज ही हैं। बस ये क्या होता है ना, डिफेंस लिखा होता है तो मन में आता है कि डिफेंस होगा तो शायद रेगुलेटेड होगा, ओके। आई एम नॉट टेकिंग दैट पार्ट विच समीक्षा मैम हैज टॉट यू, आई एम जस्ट टेकिंग द पार्ट दैट आई हैड टॉट यू इन दिस सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट आ रहा है, अब्रिज कॉस्ट स्टेटमेंट CRA 3 नीड नॉट बी सेपरेट फॉर। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग था कि आपको अब्रिज कॉस्ट स्टेटमेंट सेपरेटली किसके लिए नहीं बनाना है। तो जिसका जिस प्रोडक्ट का सीटा हेडिंग सेपरेट होता है उसका सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है, ओके। जिस प्रोडक्ट का यूनिट ऑफ मेजर अलग होता है उसका सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है, ये दो श्योर है, इन दोनों का सेपरेट बनता ही है। तो डाउट आता है बी और डी में, ठीक है। तो अगर हम ठीक से पढ़ते हैं प्रोविजंस को तो वहाँ लिखा हुआ है कि कैप्टिव कंजम्पशन का सेपरेट कॉस्ट स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है, रीज़न बींग कैप्टिव कंजम्पशन अल्टीमेटली मेन प्रोडक्ट का पार्ट बन गया और वो मेन प्रोडक्ट का कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनी रहे तो उसका कॉस्ट आ गया। कैप्टिव कंजम्पशन का सेपरेट कॉस्ट रिकॉर्ड तब बनता है जब
वो कैप्टिव कंजम्पशन वाला गुड्स आप एक्चुअली मेन प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं कर रहे हो, सो इसके लिए ज़रूरत नहीं है। और इसको लेके भी एक डाउट आता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपेंस अगर किसी का अलग है तो क्या उसके लिए अलग कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना चाहिए? इसके लिए क्वेश्चन ने कोई हिंट तो नहीं दिया हुआ है। और इवन आप लॉ पढ़ते हो यानी रूल्स पढ़ते हो तो वहाँ पर भी इसके बारे में सच कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बच्चे गुमराह हो जाते हैं कि मैं बी मार्क करूँ कि डी मार्क करूँ। इवन हमने अपने पुराने रिकॉर्डिंग में सस्पिशियसली बी को भी एक आंसर मान लिया था ये सोच के कि डी का कैप्टिव कंजम्पशन का रिकॉर्ड सेपरेटली बनाया भी जा सकता है, बट इसको लेके सिंस कुछ बोला हुआ नहीं था कभी भी, तो हमने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में यानी आपको जब जून 19 का पेपर मैं रिव्यू करा रहा था तो ये वाला मार्क करवा दिया था, जबकि इसका सही आंसर ये वाला होगा, डी वाला। ठीक है, यही सोल्यूशन में भी आया है। ओके नेक्स्ट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो सब पोर्शन नहीं ले रहा जो समीक्षा मैम आपको कराती है। 2A1 एक बार आप देखिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ कॉस्ट ऑडिटर यू हैव कम अक्रॉस नंबर 1 सम मटेरियल डिफिशियंसी एंड नंबर 2 सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन मटेरियल कंजम्पशन ओवर द प्रीवियस ईयर। तो कुछ डिफिशियंसी दिख रहा है और कुछ सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिख रहा है। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 इन दिस रिगार्ड। इन जनरल कोई भी ऑडिटर को कभी भी कोई भी डिस्क्रिपेंसीज दिखेंगे तो वो कभी डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट नहीं करवाता है, वो डिस्क्रिपेंसी को रिपोर्ट करता है। सो अकॉर्डिंगली रूल नंबर 6 4 6 सब रूल 4 पैरा 1 टू 7 के अंदर इन जनरल हम लोग जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं सम मटेरियल डेफिशिएंसी जैसे ही हमें दिखेगा तो हम एज पर दिस रूल ये पैरा के अंडर में उसे रिपोर्ट जरूर करेंगे। पैरा 1 टू 7 के अंदर उसे रिपोर्ट करेंगे बाय गिविंग आवर क्वालिफाइड ओपिनियन। एंड अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन दिखता है तो उसको आपको पार्ट बी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना है और विथ रीजंस आपको बताना है कि वहाँ पे क्या वेरिएशन दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 मार्क का है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट? रियल एस्टेट डेवलपमेंट के ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता है क्या, ये आपको ध्यान है? जी हाँ बिल्कुल लगता है, और इसको लेकर एक FAQ कराया हुआ है, FAQ नंबर 30 आपके SJC मैट में, तो आप उसको रेफर कर लेंगे। आपको पूरा रियल एस्टेट के बारे में वो अपने टेबल में जो बताया गया है कि एरियाज क्या क्या कवर्ड होते हैं वो सब आपको एक्सप्रेस करने हैं। ओके नेक्स्ट, ये मिसकंडक्ट वाला क्वेश्चन है, तो समीक्षा मैम आपके साथ डिस्कस करी थी तो वो सब परफेक्ट था। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए, ये 3A का सेकेंड क्वेश्चन है। एलिमेंट टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज अ रिंग फ्रेम एट ₹5 करोड़ एंड हाई वैल्यू स्पेयर्स एट ₹1 करोड़ द होल अमाउंट बीइंग कैपिटलाइज्ड। तो इन्होंने क्या किया, 5 करोड़ में रिंग फ्रेम खरीदा, ये एक मशीन है, एंड उसका एक हाई वैल्यू स्पेयर खरीदा 1 करोड़ में और दोनों को कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, तो स्पेयर का ट्रीटमेंट यूजुअली यही होता है कि हम उसको कैपिटलाइज ही करते हैं। हाउ शुड हाई वैल्यू स्पेयर बी ट्रीटेड एज पर कैश 12 वेन एक्चुअल रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस विथ और विदाउट रिकंडीशनिंग? तो कैश 12 यानी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर ये हाई वैल्यू स्पेयर का ट्रीटमेंट करेंगे एज पर कैश 12 तो कैसा करेंगे? तो कैश 12 पहले तो ये बोलता है कोई भी हाई वैल्यू स्पेयर जैसे ही आप खरीद के लाएंगे उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद द मेन इक्विपमेंट। तो पहला ट्रीटमेंट आपको यही लिखना है कि वी शुड कैपिटलाइज इट अलॉन्ग विद द मेन इक्विपमेंट। नाउ दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप उसको लेकर एक्चुअली यूज करना चाह रहे हैं, एक्चुअल रिप्लेसमेंट हो रहा है, वो स्पेयर अब आके अपना काम पे लिया जा रहा है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो देखिए, सोचिए एक स्पेयर था 1 करोड़ का, और जब आप यूज करने आए फॉर एग्जाम्पल उस दिन उसका डिप्रिशिएटेड वैल्यू, उसका डिप्रिशिएशन का जो रेट होता है वो मेन प्लांट का ही रेट होता है। जैसे अगर आपका जो मेन प्लांट है रिंग फ्रेम, उसका डिप्रिसिएशन आप 1 साल का 10% कर रहे हैं,
तो वही रेट आपका हाई स्पेयर पे लागू होगा, ठीक है। और आप मान लीजिए 5 साल बाद यानी 10-10% पर एनम के हिसाब से 50% डेप्रिशिएट कर चुके हैं, तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या हो गया आपका स्पेयर का, डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या हो गया आपके स्पेयर का, 50 लाख, 1 करोड़ का 10-10% करके 5 साल डेप्रिशिएशन हो गया। तो ये 50 लाख रुपीज़ आप ध्यान रखो आपका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, ये आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में चार्ज कर दोगे अगर आप उसको रिप्लेस कर दिए तो। दिस इज़ विदाउट रिकंडीशनिंग। और अगर आप विथ रिकंडीशनिंग कर रहे हो तो, विथ रिकंडीशनिंग मतलब आप पुराने स्पेयर को जिसको आप अभी चेंज कर रहे हो नए वाले से, जो आपके पास कैपिटलाइज होके पड़ा था उसको रिकंडीशन कर रहे हो, तो आपको कैश 12 में एक ट्रिकी चीज़ सिखाया था मैंने, वो सिखाया था कि आपको नया का जो कॉस्ट है प्लस जो रिकंडीशनिंग कॉस्ट है दोनों को कैपिटलाइज करना है, बट उसका एक लिमिट है कि कैपिटलाइज करने के बाद आपको देखना होगा कि वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकता है। सोचो रिकंडीशनिंग कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपया, और नया का जो कॉस्ट है, नया स्पेयर का जो कॉस्ट है, नया स्पेयर का कॉस्ट मान लीजिए जो अभी ये नया स्पेयर है, ओके ये नया स्पेयर, इसका कॉस्ट जो डिप्रिशिएट होके आ चुका है 50 लाख्स, ठीक है, 50 लाख प्लस 20 लाख्स इज द रिकंडीशनिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड स्पेयर, तो टोटल हो गया 70। नाउ यू विल चेक व्हाट कैन बी द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ बोथ दिस, ओके फ्यूचर बेनिफिट का वैल्यू क्या होगा, तो फ्यूचर बेनिफिट आ रहा है मान लीजिए 65 लाख, तो आप 65 लाख से ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो जो 70 लाख्स हो रहा था, 50 लाख डिप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस 20 लाख रिकंडीशनिंग कॉस्ट, 70 माइनस 65 करके जो 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आपको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में चार्ज करना होगा। ऐसा आपको कैश 12 में भी पढ़ाया गया, अभी वापस वही बता दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा, जब आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कैपिटलाइज करने के बारे में तो लिखा हुआ है पहला पैरा में, और सेकंड पैरा में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 1 करोड़ का एसेट अगर मान लीजिए 50 लाख का हो गया जिस दिन रिप्लेस हो रहा है, तो जो 50 लाख रुपया है वो आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू विल बी चार्ज टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस नाउ व्हेन इट इज़ रिप्लेस्ड, ओके। सो अगर रिकंडीशनिंग कर रहे हैं उसके लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो आपको बता भी दिया कि नया रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है प्लस रिकंडीशनिंग कॉस्ट, ओके नया रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया नया रिप्लेसमेंट है वो 50 लाख का डिप्रिशिएटेड वैल्यू वाला चीज़, वो कॉस्ट प्लस पुराना जो अभी लगा हुआ था मशीन में जिसको आप बदल रहे हो उसका रिकंडीशनिंग कॉस्ट, दोनों मिलाकर आपको देखना होगा कि फ्यूचर बेनिफिट का वैल्यू क्या है, वो बेनिफिट का वैल्यू से ज़्यादा आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसलिए अगर ये 50 लाख है, ये 20 लाख है और टोटल वैल्यू फ्यूचर का 65 है, तो 70 माइनस 65 डिफरेंस जो 5 लाख का आ रहा है वो आपको रिपेयर्स में चार्ज करना होगा और 65 आप कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस इज टू बी ट्रीटेड, तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आ रहा है 3B। 3B रिकॉन्सिलेशन का समय जो हमेशा ईजी होता है, प्रॉफिट स्टार्ट करना है आपको एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट निकालने बोला गया है। यहाँ पे F है, यहाँ पे C है, फाइन। सो यहाँ पे F है, यहाँ पे C है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको मालूम है F में प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो क्या करना है F को C जैसा बनाने के लिए, C में कुछ नहीं हुआ तो F में लेस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम एज दिस, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है। फिर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन इंक्लूडेड इन सैलरीज एंड वेजेस, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन इंक्लूड हो गया तो उसके कारण यहाँ पे सैलरीज में इंक्लूड हो गया, इसका मतलब इसका कॉस्ट बढ़ गया है, फाइनेंशियल का कॉस्ट ज़्यादा हो गया है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो उसका प्रॉफिट घट गया है, तो F को C जैसा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एड बैक कर देंगे, क्योंकि सी में वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन को एमोटाइज किया जाता है, कैपिटलाइज करके धीरे धीरे एमोटाइज करते हैं, और यहाँ पे एक एफ में क्या किया, पूरा का पूरा सैलरीज एंड वेजेस में इंक्लूड कर दिया, ओके सो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सिंस इंक्लूड किया हुआ तो प्रॉफिट घट गया, उसको ऐड बैक करके बराबर करना है। डोनेशन पेड का सेम ट्रीटमेंट है, एफ में घट गया है तो ऐड बैक कर दीजिए। इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो रिसीव हुआ है तो फाइनेंशियल में उसको इनकम मान लेते हैं, सी में कुछ नहीं हुआ होगा उसका तो
ऐड किया हुआ होगा एफ में, तो लेस कर लीजिए सी जैसा बनाने के लिए। प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी, अज्यूम करें कि ये कॉस्ट में आया नहीं है, अज्यूम्ड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ओके, अज्यूम नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, सो एफ प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल आपका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा दिया है, मिलाने के लिए एफ से घटा दीजिए। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये कभी भी एफ में इनकम के तरह ही आता है, सी में नहीं आता है, तो एफ में आया हुआ इनकम तो माइनस कर दीजिए। गुडविल रिटर्न ऑफ इन एफ ए, तो गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, ये प्रॉफिट को घटा दिया है। ओके, सो अगर ये प्रॉफिट को घटा दिया है तो आपको क्या करना है, ऐड बैक कर लेना है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो एफ में दिखा रहा है 360 हुआ और कॉस्ट में दिखा रहा है 390 हुआ, तो कॉस्ट में और ज़्यादा है, तो एफ को सी जैसा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ को और ऊपर ले जाऊँगा, यानी कि डिफरेंस को ऐड बैक करूँगा। ठीक है, डिफरेंस टू बी एडेड बैक, सो वेन यू एडजस्ट ऑल दिस योर आंसर विल कम। सो यू जस्ट नीड टू ड्रॉ दिस एफ एंड सी वॉट शुड बी एडेड एंड वॉट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाता। ठीक है, सो यही किया हुआ यहाँ पर, आप जानते हैं इसका प्रेजेंटेशन में कुछ है नहीं, मैं दिखा नहीं रहा आपको। क्वेश्चन फोर मैं नहीं पिकअप कर रहा, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव, भी मेरा स्कोप का नहीं है, और ये नेक्स्ट सिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। देखिए, आपको ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको तुरंत कॉपी लेकर ये सब सॉल्व कर लेना चाहिए, स्कैनर डाउनलोड करके, यानी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके सॉल्व कर लेना चाहिए। सो फॉलोइंग इज द अब्रिज्ड कॉम्पेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ प्रवेश लिमिटेड, अ कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर टू ईयर्स एज ऑन 2018 एंड 19। सो वी हैव शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी एंड रिजर्व्स, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में टर्म लोन, डिबेंचर्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, देन वी हैव करेंट लाइबिलिटीज़ में करेंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है ही नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज में भी स्टार लगाया हुआ है, इसलिए कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड के परव्यू से बाहर होते हैं। करेंट एसेट्स से फिर उसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, और आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बता रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग एज स्टिपुलेटेड इन पार्ट डी पैरा 4 टू द एनेक्सर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो पहला चीज पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एज यू नो कैपिटल एम्प्लॉयड जब पूछता है तो हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, मतलब हमें 18, 19 दोनों का पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के फिर एवरेज करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का दो तरीका होता है, एक एसेट साइड से, एक लाइबिलिटी साइड से। एसेट साइड से जाएंगे तो हम क्या लेंगे, फिक्स एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी साइड से जाएंगे तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। इन जनरल यही आता है लाइबिलिटी साइड में, बट इसमें एडजस्टमेंट होता है कि इक्विटी, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन का अगर कुछ रुपया मान लीजिए अभी भी बिजनेस में यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि सब्सिडियरी के यहाँ यूज़ हो रहा है, जैसे कि अभी भी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाया जा रहा है, तो बिजनेस में अभी तक ये यूज़ होना शुरू नहीं हुआ है, तो आप इसको हटा देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक होता है लाइबिलिटी साइड, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा, इक्विटी, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा, टर्म लोन आएगा, डिवेंचर आएगा। आप इसको ऐड करते चलिए, जैसे 2019 का कितना हो रहा है और 2018 का कितना हो रहा है, ठीक है, 3500, 3800, 3000, 1500, एंड देन अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन है विच इज़ 1200। सिमिलरली वी कैन राइट इट फॉर 2018 ऑल्सो, सो हियर वी हैव 2000, then we have 3000, 1500, 1500, 1500, okay, तो ये आ गया आपका इन जनरल कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब इसमें से नया चीज़ क्या हो रहा है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी बिजनेस में यूज़ होना शुरू नहीं हुआ है। और एक माइनस होता है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, विच इज़ इन्वेस्टमेंट इन योर सब्सिडरी कंपनीज। सो दैट्स नॉट योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट नॉट बींग डन इन योर कंपनी, इन योर बिजनेस। तो 800-400 इसको भी माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करके जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा। चलिए आप देखिए टोटल निकालिए जल्दी से क्या आ रहा है। 35, 38, 3000, 1500, 1200, 13000 आ रहे हैं। माइनस 2500 करके आ रहे हैं 10500। फिर यहाँ आ रहे हैं 4500, 3500, 7500, 9000। माइनस 400 करके आ रहे हैं 9100। और इन दोनों का एवरेज करें तो ओके। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज कमिंग 9800। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब होता है डेट और इक्विटी, ठीक है। व्हाट इज नेटवर्थ? नेटवर्थ मतलब डेट और इक्विटी। और ये आपको सिर्फ 31 मार्च 2019 का ही लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट लिखा है कि यहाँ पे एवरेज नहीं करना। और डेट और इक्विटी मिलाएंगे तो कितना रुपया होगा, देखिए। डेट और इक्विटी, नेटवर्थ मतलब सॉरी इक्विटी, आई एम सो सॉरी, नेटवर्थ माने सिर्फ इक्विटी, नेटवर्थ मतलब सिर्फ इक्विटी, डेट और इक्विटी नहीं। डेट और इक्विटी से तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, नेटवर्थ माने इक्विटी। इन दोनों को जोड़ दीजिए 3500 और 3800, ठीक है। इक्विटी में भी समटाइम्स वी डू डिडक्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी ऑल्सो, वी कैन डिडक्ट, बट दैट हैज़ नॉट बिन डन इन योर सोल्यूशन हियर। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एंड कैपिटल WIP, कैपिटल WIP के लिए वी आर नॉट श्योर कि ये हो सकता है ना, उधार लेके कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो इसलिए इट इज़ नॉट श्योर यूजुअली दैट दिस इज बींग डन फ्रॉम इक्विटी और डेट। बट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी में ऐसा नहीं होता जनरली कि हम उधार लेके अपने सब्सिडियरी को उधार दे रहे हैं, ओके। बट ऐसे रियल वर्ल्ड में तो होता है, बट ये कई कभी 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 यू नो ये सब लोन्स वगैरह ऐसे अलाउड नहीं होते प्रोक्योर करना कि आप लेके अपने नाम पे किसी और को दे दोगे। सो आइडियली अगर सिनेरियो के हिसाब से समझें तो रियल वर्ल्ड में आप इक्विटी जब बोलते हो तो इक्विटी मतलब भी वही होना चाहिए कि इक्विटी यूज्ड इन योर ओन बिजनेस। तो वो आप अपना इक्विटी दिखा रहे हो 7300, तो इसमें से अगर कुछ रुपया जो आप अपने यहाँ यूज़ भी नहीं कर रहे हो तो आपको वो हटा देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 7300 में से 800-400 तो माइनस होना चाहिए था, यानी कि 800 रुपया माइनस होना चाहिए था इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी वाला। कैपिटल WIP में माइनस नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो हो सकता है डेट लेके भी एसेट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बट डेट लेके किसी और को के यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ओके। बट के इंस्टीट्यूट ने नहीं किया तो इसीलिए आपको मैं भी ये सब सॉल्यूशंस बता रहा हूँ। तो ये हुआ 7300, ये हुआ 9800। फिर PBT टू कैपिटल एम्प्लॉयड, PBT को अलग से दिया हुआ ये 1300, तो दिस विल बी 1300/9800। PBT टू नेटवर्थ 1300/7300। डेट इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे अपना डेट कितना, इक्विटी तो 7300 है, डेट मतलब ये दोनों मिला दें अगर, ये तीनों सॉरी 3000, 1500 और 1200 मिला दीजिए, इन तीनों को ले लीजिए तो डेट आ जाएगा आपका, ये दोनों को ले लीजिए तो इक्विटी आ जाएगा। सो 5700 आ रहा है डेट अपना, राइट। 5700/7300। और करेंट एसेट्स टू करेंट लायबिलिटीज़ में करेंट एसेट्स का टोटल है ये चार, ये चारों का टोटल करिए देखिए कितना आ रहा है, 3930, 4810, 600, 620, 9960 आ रहे हैं। एंड करेंट लायबिलिटीज़ में
देखिए करंट लायबिलिटीज में ना नज़र क्या जाता है, एग्जाम में सिर्फ करंट लायबिलिटीज पे, हेडिंग पे नज़र नहीं जाता। करंट लायबिलिटीज में दोनों है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे मार्किंग किया कि 3460 होगा ये, सो 9960 डिवाइडेड बाई 3460, दिस इज योर सोल्यूशन। तो जो जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे वो मैंने मार्क कर दिए, कैपिटल WIP, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज, इन दोनों को लेना है, ठीक है। अच्छा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं अपोजिट तरीका से निकालता तो क्या होता? अगर ये वाला तरीका की जगह एसेट वाला तरीका लेता तो क्या होता? एसेट वाला तरीका लेते तो आप फिक्स एसेट्स लेते, जैसे कि फिक्स एसेट आपका यहाँ पे टेंजिबल है 4,000 और 3,800, ठीक है। फिर आप लेते सारे करंट एसेट्स लेते 9960 और वहाँ पे जो आ रहा होता, ठीक है। बट ये दोनों नहीं लेते, ध्यान देना था, ये दोनों ऑल दो आपके एसेट साइड में, बट आपको नहीं लेना था। और लेस करते आप करंट लायबिलिटीज, जो भी करंट लायबिलिटीज अभी एक तरफ का तो मुझे मालूम था ना, 3460। आप देखिए ये 10,500 आ गया, वैसे यहाँ पे भी वही आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो इधर से आया। तो किसी भी तरह से कर लीजिए, आपका काम बनता है। ओके आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, पावर कॉस्ट को लेकर। ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में भी करते हैं। बायोगैस प्रोड्यूस फ्रॉम वॉश ऑफ अल्कोहल इन KLM इंडस्ट्रियल अल्कोहल लिमिटेड इज यूज एज अ सप्लीमेंट विथ फ्यूएल इन जनरेटिंग स्टीम। ओके, द स्टीम इज यूज इन स्टीम टर्बाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर एंड द एग्जॉस्ट ऑफ स्टीम टर्बाइन इज रिसाइकल्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। इन प्रोसेस द फॉल इन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ द स्टीम इज 10%, विच इज लाइक अ नॉर्मल लॉस इफ यू रिमेंबर। फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो वी हैव डिटेल्स ऑफ बॉयलर एंड टर्बाइन। बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, टर्बाइन में स्टीम को घुमाया जाता है तो उससे पावर जनरेट होता है। तो आपको करना क्या है, सारा कॉस्ट को जोड़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर टू कॉस्ट शीट्स फॉर स्टीम एंड पावर एज पर कैश 8 ऑन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सो क्या करोगे आप, ये सारा को जोड़ लोगे, ये सारा कॉस्ट, पहला कॉस्ट शीट बॉयलर का बन जाएगा, यानी जिससे स्टीम बन रहा है। तो ये सारा कॉस्ट को जोड़ के 24,000 से डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट पर मेट्रिक टन ऑफ स्टीम आ जाएगा। फिर वो सारा कॉस्ट यहाँ पे इनपुट कॉस्ट बन जाएगा, उस इनपुट कॉस्ट में ये सारा जोड़ लोगे तो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेटेड आ गया। और फिर आपको बोल रहा है टोटल आपका जो कॉस्ट है उसमें 10% आपका एंथैल्पी वैल्यू का लॉस होने के कारण, ठीक है, 10% खराब हो जाएगा, तो लेस 10% करेंगे तो पावर जनरेटेड हो गया आपका 90%। याद है आपको ऐसा, बट आपका इंस्टीट्यूट मैट में उल्टा किया हुआ होता है ना, ये अभी भी डाउटफुल है कि ये लोग कैसे करते हैं। देखो पहले एक बार देख लो, बॉयलर का कॉस्ट सारा जोड़ा तो 8,7860 आया, उसको पर मेट्रिक टन भी दिखा दिए, डिवाइड बाय 24,000 कर दिए, इसको यहाँ पे इनपुट में ले लिया हमने नेक्स्ट कॉस्ट शीट में, और सारे कॉस्ट को जोड़ा तो टोटल कॉस्ट आ गया। फिर 10% आपका खराब हो गया और 90% आपका पावर जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने हमेशा उल्टा करके कराया आपको, इसके लिए अभी भी मैं असमंजस हूँ कि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ होता है। मैं क्वेरी को फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहा हूँ पावर इंडस्ट्री के लोगों से, अभी तक मुझे सोल्यूशन मिला नहीं है। तो एनी हाउ दिस इज द कॉस्ट एंड देन यू कैन डिवाइड इट बाई द यूनिट्स ऑफ पावर जनरेटेड। कितना यूनिट्स है पावर का देख लो, पावर का यूनिट्स कितना है, 18 लाख है ना, तो आप 18 लाख से डिवाइड कर देंगे। सो 89040 डिवाइडेड बाई 18, 49.47, 18 लाख था ना यहाँ पर, 89, ये रुपीज इन थाउजेंड है। सो 89040 डिवाइडेड बाई 18 लाख,
दिस इज कमिंग 49.47, ओके। देन इसका ही 90% ले लिया गया और 10% आपने समझो लॉस में माइनस कर दिया। ये लोग दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ पावर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर 10% और 90% दिखाते हैं कि एग्जॉस्ट हो गया। इसको लेकर अभी भी मैं मंजस्ता में हूँ। अब जैसे मैं बताया हूँ मैं वैसे ही वापस बता रहा हूँ अभी तक। अगर आपको कुछ और नॉलेज मिले तो आप शेयर जरूर करिएगा इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7A। 7A इज ऑन वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन। ये हर बार एग्जाम में आता ही है आपको मालूम है, ओके। जो सिर्फ फॉर्मेट में पुट करना है और काम हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास में भी किया हुआ है, इलस्ट्रेशन 3 पेज 235। तो आइए इसको देख लीजिए एक बार फिर से। 2018 है और 19 है, नेट सेल्स आपको दिया हुआ है, फिर आपको अदर इनकम दिया हुआ है। मैंने यहाँ 18, 19 ये सब ध्यान देना। अदर इनकम शुरू में नहीं लेते हैं। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, पावर, स्टोर्स, लोकल टैक्सेस, अदर ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड, ऑडिट फीस, सैलरीज, अदर ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरीज, पैकिंग, अदर ओवरहेड्स, टोटल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट चार्जेस में वर्किंग कैपिटल, लोन, फिक्स लोन, डिबेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एज स्टिपुलेटेड पार्ट डी पैरा 3 ऑफ एन एक्सर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 एंड 18। तीन चीज़ निकालना है, वैल्यू एडिशन, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द डिफरेंट क्लेमेंट्स। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मेट में क्या आता है, पहले आता है नेट सेल्स, फिर करते हैं ऐड एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर होता तो, वो नहीं है, ओके। अदर इनकम शुरुआत में ऐड नहीं होता, लास्ट में आता है, फिर ऐड होता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखिए एक फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, आप इसको देखते जाइए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ बॉट आउट आइटम्स। बॉट आउट आइटम्स में आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये यहाँ पे दिख जाएगा आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन पावर एंड फ्यूल, देन स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब आपके कॉस्ट ऑफ बॉट आउट आइटम्स में है। इसके बाद और भी जितने ओवरहेड्स हैं, अच्छा लोकल टैक्सेस को हम ओवरहेड्स नहीं मान रहे, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी ओवरहेड्स में लेना है, ये अदर ओवरहेड्स का पार्ट है, अदर ओवरहेड्स का पार्ट है। फिर एडमिन ओवरहेड में ऑडिट फीस अदर ओवरहेड का पार्ट है, सैलरीज अभी नहीं आएगा, अदर ओवरहेड्स उधर ओवरहेड का पार्ट है, फिर ये सैलरीज नहीं आएगा, फिर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग अदर ओवरहेड्स का पार्ट है, ये भी अदर ओवरहेड्स का पार्ट है, एंड देन दिस इज ऑल्सो अदर ओवरहेड्स। ये भी अदर ओवरहेड्स का पार्ट है, टोटल डेप्रिसिएशन आपका यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका ये भी अदर ओवरहेड्स का पार्ट है, ध्यान देना था, इसको स्किप नहीं कर जाना था। ये सारा अदर ओवरहेड्स को यदि आप यहाँ पे जोड़ लें, इकट्ठा कर लें, तो एक बार में आ जाएगा शॉर्टकट में, और फिर ऐड करके वैल्यू एडेड आएगा, ओके, वैल्यू एडेड आएगा। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या क्या करना है, देखो नेट सेल्स यहाँ पे मिल गया आपको, इंक्रीज इन फिनिश गुड्स आपको मिल गया, ठीक है, फिर लेस कॉस्ट ऑफ बॉट आउट आइटम में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 1, 2, 3, ठीक है, चौथा में 4, 5 और ये 6, ये सब मिला के अदर ओवरहेड्स आ गया, तो सब मिला के वैल्यू एडेड हो गया, ओके। अब इसके बाद आपको अदर इनकम को ऐड करना है, ये जो अदर इनकम था ना यहाँ पर, एट लास्ट मतलब यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पे ऐड करना है आपको, जिससे आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में किस में होता है आपको याद है क्या, कि एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट को दे देते हैं, गवर्नमेंट को क्या क्या देंगे यहाँ पे, लोकल टैक्स दे देंगे गवर्नमेंट को, और एक क्या देंगे गवर्नमेंट को, प्रोविजन फॉर टैक्स विच इज़ इनकम टैक्स। फिर दूसरा देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ के लिए सारा सैलरीज में अलग कर रखा था, ये रहा एक एम्प्लॉयज़ का अमाउंट, फिर ये रहा एम्प्लॉयज़ का अमाउंट, फिर ये रहा एम्प्लॉयज़ का अमाउंट, तो तीनों को एम्प्लॉयज़ में दे देंगे। फिर नेक्स्ट होता है प्रोवाइडर फॉर कैपिटल, प्रोवाइडर फॉर कैपिटल में जिन्होंने आपको कैपिटल दिया
ये हो गए प्रोवाइडर फॉर कैपिटल्स, कैपिटल प्रोवाइडर्स उनको इंटरेस्ट दे देंगे दोनों। फिर होता है शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड, ये शेयर होल्डर हो गया, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बच जाए दैट विल बी रिटेन्ड अर्निंग्स एंड दैट विल ओनली कवर द इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लेके कहीं और हम लोग दिखाते नहीं है, ध्यान आ रहा है ना आपको सारा? देखिए मैं भी एक बार बता दे रहा हूँ, बट आपको करना चाहिए इसको सॉल्व, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप सोल्यूशन देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये देखिए नेट सेल्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं है, ऐड किया, इंक्रीज इन फिनिश गुड स्टॉक, बॉट आउट इनपुट में रॉ मटेरियल, स्टोर्स, पावर और अदर ओवरहेड सारा जोड़ लिया, वैल्यू एडेड, अदर इनकम, ओके, अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वेजेस दे दीजिए, एम्प्लॉयज़ को दे दिया, फिर शेयर होल्डर्स को दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर में रह गया, और टैक्सेस भी दे दिया, और एक प्रोवाइडर ऑफ फंड और कैपिटल एज इंटरेस्ट उनके लिए भी हो गया। सो इसको एक बार जब लिखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट। ड्यूरिंग द पीरियड 16/8/18 टू 29/8/18 टू वीकली ऑफ इन बिटवीन। तो वीकली ऑफ होता है इन बिटवीन, तो ये कितना दिन का पीरियड हुआ? देखिए 16 से 29, 13 और 1 14 दिन हो गया, 14 में से 2 दिन वीकली ऑफ है, तो यहाँ पे डेज हो गया 12, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सी डी हैड टू बी क्लोज डाउन, उसको बंद करना पड़ा ड्यू टू वाइड स्प्रेड एजिटेशन ऑन जॉब रिजर्वेशन बाय कम्युनिटी ऑफ द स्टेट। सो स्ट्राइक हुआ, क्लोज डाउन हुआ, यानी ये अब नॉर्मल लॉस की बात हो रही है। वर्कमैन डिमांडेड फुल वेजेस बट इट वॉज नेगोशिएटेड टू, नंबर वन, दे विल वर्क ऑन वीकली ऑफ ऑन 3 chosen weeks विदाउट ओवर टाइम। तो वैसे तो मैनेजमेंट का उन्होंने 12 दिन खराब किया, बट 3 दिन वो मेकअप कर देंगे। तो एक्चुअली आपका नेट डेज जो डिस्टर्ब हुआ ना, 12 में से 3 दिन मेकअप हो जाएगा, तो 9 दिन डिस्टर्ब हुआ। द रेस्ट विल बी विथ नो वेजेस फॉर डायरेक्ट वर्कर्स एंड एडजस्टेड अगेंस्ट एलिजिबल लीव फॉर स्टाफ एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। तो ये 9 दिन का डायरेक्ट वर्कर्स को हम लोग, ध्यान दीजिए, कोई और वेजेस नहीं देंगे। मतलब एक्चुअली केस हमारे फेवर में ही आ गया, मैनेजमेंट के फेवर में आ गया। जो दिन बर्बाद हुए 12, उसमें से 3 दिन वो मेकअप करेंगे, और बाकी 9 दिन ये लोग को कोई वेजेस नहीं दिया जाएगा। रेस्ट विल बी विथ नो वेजेस, रेस्ट माने वो 9 दिन की बात हो रही है जिसमें वेजेस नहीं देना है, एंड एडजस्टेड अगेंस्ट एलिजिबल लीव फॉर स्टाफ एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। नाउ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ द यूनिट इज ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट 52 वीकली ऑफ एंड 11 स्टेटूटरी हॉलीडेज। ओके, तो दैट मीन्स नॉर्मल डेज कितना होता है इस फैक्ट्री में? नॉर्मल डेज होता है 365 में से 52 ऑफ माइनस करिए और 11 स्टेटूटरी हॉलीडेज माइनस करिए, तो 365 माइनस 52 माइनस 11, सो दिस इज इक्वल टू 302, this is equal to 302 days, okay? The details of the expenses incurred for the year ended 31st March 2019 are as follows. तो expenses में यहाँ पे सारे expenses दिए हुए हैं, indirect wages हैं पूरे year का, इतना amount है, boiler, power, boiler, security, partly used during closure 10, depreciation, other fixed expenses or total. Calculate क्या करना है? Abnormal cost for exclusion from the product cost. तो पूरे ईयर का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पूरे ईयर का वर्किंग डेज है 302, उसमें से 9 दिन खराब हो गया, आप देखिए बस। तो आइडियली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? 1578 302 दिन को बिलोंग करता है, तो 9 दिन का कॉस्ट क्या होगा? बट इसमें एक ट्रिक डाल दिया, ये वाला लाइन को लिख कर, ये पार्टली यूज ड्यूरिंग क्लोजर का मतलब क्या है? ठीक है, पार्टली का अब हम कैसे जाने कितना परसेंट? अगर ये लिख देता कि दिस इज ओनली फॉर द क्लोजर पीरियड तो हम समझते, या ऐसे लिख देता कि दिस नॉट फॉर क्लोजर पीरियड तो हम समझते। नॉर्मली पावर कॉस्ट तो क्लोजर पीरियड में लगता नहीं है, राइट? तो ये एक एम्बिगुअस एरिया था, जो लास्ट टाइम भी मैं जब रिकॉर्डिंग में आपको बता रहा था, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सस्पिशन रेज कर रहे थे, अपने अपने अजम्पशंस लगा रहे थे। अब ये सोल्यूशन देखता हूँ तो उसमें समझ में आता है कि 302 दिन ठीक है, 9 दिन ठीक है। देखिए 302 दिन भी ठीक है और 9 दिन भी ठीक है, 9 वर्किंग डेज आपका खराब हुआ। कॉस्ट कैसे निकाला? ये
होल ईयर वाला में इनडायरेक्ट वेजेस रखा, डेप्रिसिएशन रखा, अदर फिक्स एक्सपेंस को रखा, और उसको डिवाइड बाई ये टोटल करके ना, इसको डिवाइड बाई 302 करके मल्टीप्लाइड बाई 9 करके आंसर निकाल दिया। बट पावर एक्सेट्रा को मान लिया पार्टली यूज लिखा है ना, तो अज्यूम कर लिया कि इट इज फुल्ली यूज ड्यूरिंग क्लोजर, सिर्फ क्लोज पीरियड के लिए पूरा अमाउंट मान लिया। अब ये बड़ा एम्बिगुअस सोल्यूशन आया यहाँ पर कि पावर फिर क्लोजर पीरियड से जुड़ा हुआ क्यों हुआ भाई? सिक्योरिटी समझ में आता है, खाली सिक्योरिटी आप लिखते समझ में आता है कि हाँ सिक्योरिटी बुलाया, अलग से स्ट्राइक चल रहा था, बट पावर बॉयलर सिक्योरिटी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो इसको स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आप 1578 को भी लेके पूरा कर देते तो भी मार्क्स मिलना चाहिए था, एम्बिगुअस क्वेश्चन था। बट ठीक है, सजेस्टेड आंसर में जो दिया हुआ वो मेरे का दिखाना आपको फ़र्ज़ है, अज्यूम करके कर दिया कि ये पूरा का पूरा आपका क्लोजर पीरियड का ही है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कंसर्न रेज किया, ओनली फॉर क्लोजर कैसे हुआ? अब ये कंसर्न आप इंस्टीट्यूट तक ऊपर तक पहुँचा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अजम्पशन लिख के आप अपना सम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, ये ए बी सी मेरे स्कोप के बाहर है, समीक्षा मैम आपको करा चुकी हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, अच्छे से बता चुकी हैं थ्योरी इसके बारे में। नाउ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको 8 का डी में। अ कंपनी बॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ऑटो कॉम्पोनेंट यूनिट फॉर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। द कंडीशन वॉज टू पे अ लंप ऑफ ₹10 लाख इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर बोथ प्रोडक्ट्स हैविंग अ सर्विस लाइफ ऑफ 5 ईयर्स एंड रॉयल्टी एट द रेट ₹3 पर यूनिट। तो ये 10 लाख रुपया एक लमसम दिया गया न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, और 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये इक्वली दो प्रोडक्ट में। इनके पास दो प्रोडक्ट ए बी, और रॉयल्टी भी देना है ₹3 पर यूनिट। वेंडर्स टेक्नीशियन वेयर टू बी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी अलग से कॉस्ट है। द कंपनी इनकर्स कॉस्ट फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एक अलग से कॉस्ट है, एंड इंटरेस्ट फॉर बोरिंग ₹1,20,000। ओके, सो कितना कॉस्ट दिखा, एक तो ये लमसम वाला, एक तो रॉयल्टी वाला, तीसरा ट्रैवलिंग, चौथा सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जिसका अमाउंट अभी हो सकता है 1,20,000 दोनों मिला के दिया हुआ हो। कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस इंटरेस्ट बोरोइंग, इंटरेस्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, ये दोनों का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, फॉर बोरोइंग ऑफ ₹1,20,000। ठीक से नहीं पढ़ने से ऐसा लग रहा था कि 1,20,000 ये दोनों का कॉस्ट है, बट बोरोइंग किया हुआ 1,20,000, उस पर इंटरेस्ट देना होता है। क्वेश्चन में फिर प्रोडक्ट ए बी का आपको डिटेल दे रहा है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपको दिया हुआ 30,000, 25,000। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन ₹3 करके ऊपर में बोला था। ट्रैवलिंग चार्जेस दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर सर्विस चार्जेस अलग से दिया हुआ है, हायर चार्जेस फॉर स्पेशल इक्विपमेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग ऑफ ₹1,20,000। अभी देखो कन्फ्यूजन कैसे कैसे, अभी लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा था कि बोरोइंग 1:20 का, उस पर ब्याज देना होता है, बट यहाँ पे आके देख रहे हैं कि नहीं, वो इंटरेस्ट ही था जो 60-60 मिला के 120 हो रहा है। कितना अजीब अजीब लैंग्वेज बनाता है, तो यहाँ पे ऑन लिखना चाहिए था ना, इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑफ लिखने का जरूरत नहीं था, इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग ₹1,20,000, जो भी है तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या करें। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन की भाषा ही खाली पकड़नी बड़ी समस्याजनक हो जाती है। एनीवेज आपको करना क्या है, कंप्यूट करना डायरेक्ट एक्सपेंस कीपिंग इन व्यू ऑफ कैश 10। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या चीज़ आएगा, ऑब्वियसली रॉयल्टी आएगा, कितना रुपया आएगा, रॉयल्टी आ जाएगा ₹3 के हिसाब से 30,000, 90,000 एंड 75,000 आ जाएगा। ओके, तो 30,000 और 90,000 और 75,000 आ गया। फिर ट्रैवलिंग चार्जेस आ गया, ये पूरा आएगा, सर सॉफ्टवेयर सर्विस चार्जेस भी आ जाएगा और हायर चार्जेस भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट एज पर एनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इफ यू रिमेंबर फाइनेंस चार्जेस आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। और एक कॉस्ट आएगा ये 10 लाख, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 लाख 5 लाख हो गया, और अमोटाइज करो 5 साल में, तो एक एक साल का 1-1 लाख हो गया। ठीक है, तो अमोटाइज्ड कॉस्ट 1-1 लाख, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है एक 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 लाख दोनों में, तो आपका कॉस्ट में रॉयल्टी का आ गया 90 और 75,
अमोर्टाइज कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख ट्रैवलिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस और हायर चार्जेस मिला के डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है, इसका सोल्यूशन आपको दिखा दूँ क्या? वही किया हुआ होगा। ये देखिए, अमोर्टाइज कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख 90, 75 रॉयल्टी का, हायर चार्जेस, ट्रैवलिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस, बस। इंटरेस्ट ऑन बैंक बोरोइंग शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, नाउ लास्ट हियर इज दिस क्वेश्चन विच इज फॉर मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स एक्सट्रैक्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ये सेम सम क्लास में भी कराया हुआ है। ठीक है, फिगर्स थोड़ा सा अलग होगा कि सेम है वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट सही है, सम है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6,000 है, यूनिट 2,16,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 21,000, 8,40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 यूनिट्स, उसका कॉस्ट हमें निकालना है। फ्रेट इनवर्स दिया हुआ है, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग मटेरियल फॉर परचेज रॉ मटेरियल्स, डेमरेज चार्जेस लेविड बाय ट्रांसपोर्टर फॉर डिलेड कलेक्शन। याद है आपको जब क्लास में कराया था, ये था इलस्ट्रेशन 3 एसजीसी मैट का, तो उधर आपको बताया था कि देखो ये डेमरेज चार्ज जनरली कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक तरह का फाइन होता है डिले कलेक्शन। बट अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये डिले कलेक्शन नॉर्मली लगता ही हमेशा लगता है, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस इज बिफोर रिसीट ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस इज ड्यू टू श्रिंकेज। तो श्रिंकेज कैन बी नोटिस्ड आफ्टर रिसीट, बट एबनॉर्मल लॉस इज बिफोर रिसीट। तो इसको पहले दिखाना है, इसको बाद में दिखाना। इसमें ट्रिक ये था कि बस डिमरेज को लेना है कि नहीं लेना है, तो इसको एबनॉर्मल मान के मैंने क्लास में इग्नोर कराया था और उसका सोल्यूशन आपको करा दिया था। ओके, और वही चीज़ वापस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो सोल्यूशन किया हुआ है उसमें फिर इसको नॉर्मल मान के इंक्लूड किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल यूजिंग एवरेज कॉस्ट मेथड। तो कैसे करेंगे, ये हमारा जैसे मैट का रेफरेंस है, उसको आप देख लीजिएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से कर देना चाहता हूँ, जिससे आपको और तसल्ली हो जाए कि सबसे पहले हम लोग मान लीजिए परचेज़ का कॉस्ट ले लेते हैं 8,40। ठीक है, क्वांटिटी भी लिखते जाएंगे परचेज़ के साथ 8,40। सोचिए यहाँ पे क्वांटिटी है और यहाँ पे अमाउंट है। ठीक है, ये मेरा पर्टिकुलर्स है। परचेज किया मैंने 21,840, फिर है फ्रेट इनवर्ड्स डैश और 1,02,000, फिर है सेल्फ, फिर डेमरेज को बाद में लेंगे, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड को भी बाद में लेंगे, एक बार घर पे मटेरियल आ जाए, पहले इसका कॉस्टिंग पूरा हो जाए। ठीक है, फिर आपका ये जो कॉस्ट आ गया, डेमरेज छोड़ दिया मैंने, मैंने डेमरेज को अब नॉर्मल मान के छोड़ दिया। ये कॉस्ट आ गया आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच इज़ अबाउट टू बी रिसीव्ड 21,000 और 942। अब इसमें से माइनस करेंगे आप एबनॉर्मल लॉस, डेढ़ सौ यूनिट। तो इस 150 यूनिट का कॉस्टिंग करिए, 942 बाई 21,000 इंटू 150, दिस इज कमिंग 6729। फिर आ गया नॉर्मल लॉस 5%, 2%। अब 2% किसका, आप 2% 21,000 का भी मान सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2% ये जो नेट फिगर आ रहा है उसका भी मान सकते हैं। बहुत अजम्पशन का खेल है, तो मेरे हिसाब से आप नेट का भी माने तो भी मैं मार्क्स दूंगा, बट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे 21,000 का माना है, तो मैं एक बार 21,000 से ही कर रहा हूँ। तो सर आप डीमरेज क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि डीमरेज के लिए मैं क्लियर अजम्पशन लिख पा रहा हूँ ना, ये सब एम्बिगुअस चीज़ें हैं जिसका कोई क्लियर अजम्पशन नहीं है, बट जो करे ठीक है। सो इससे आपका नेट कॉस्ट आ गया 21,000 माइनस 150। ठीक है, माइनस
420, 20,430, और यहाँ पे आ रहा है 942 माइनस 6729, 935, 271. देन वी विल डू ऐड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल फॉर परचेज्ड रॉ मटेरियल्स अमाउंट 70,000. सो दिस यू कैन से इज द नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और लैंडेड कॉस्ट 70,000 जोड़ के 10,05,271. आफ्टर दैट वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक 6,000, 216,000. सो वी गॉट टू ऐड दिस 26,430. बारह इक्कीस 271 लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है. और यहाँ पे बोला है एवरेज कॉस्ट मेथड. एवरेज मेथड मतलब ओपनिंग और परचेज को मिला दिया गया है. तो ये 4,000 यूनिट का कॉस्ट इस 1221 के हिसाब से आएगा. ठीक है, सो 1221271 डिवाइडेड बाई 26,430 इंटू 4,000 184,831. सो 22,430 एंड दिस इज अ टिक. दिस इज योर नेट मटेरियल कॉस्ट कंज्यूम्ड. ठीक है, इसका आंसर ऑब्वियसली मेरा आंसर जो है वो सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा क्योंकि डिमरेज का चक्कर है. और एक चक्कर है कि यहाँ पे जब क्लोजिंग स्टॉक को ये लोग वैल्यू कर रहे हैं ना, तो जैसे ये 4,000 का वैल्यू मैंने कैसे निकाला, इसके हिसाब से निकाला 1221271 बाई 26,430. और इधर क्या करते हैं, यहाँ पर इन लोग जो सोल्यूशन करें मैं दिखाऊंगा आपको. ये 26,430 नहीं लेकर एक नया फिगर ले रहे हैं विच इज़ 6,000 प्लस 21,000 माइनस 420. अब नॉर्मल लॉस को हटा के नहीं सोच रहे क्लोजिंग स्टॉक में. तो ये एक वापस एक पॉइंट आ जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. आप देखिए यहाँ पर परचेज है, फ्रेट इनवर्ड है, डिमरेज को ले लिया जो हमने सस्पेंस में हटा दिया, एबनॉर्मल लॉस लिया, वैल्यूएशन यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की ठीक ही की है 840 प्लस 1,02,000. डेमरेज को इन्होंने लिया लॉजिक बनाकर, तो ठीक है, तो डेमरेज को लेके चलें तो उसके हिसाब से लॉजिकली कैलकुलेशन सही है. नॉर्मल लॉस वही मैंने बताया ना 21,000 पे किया हुआ है. आप देखिए 21,000 से हटा दिया, फिर पैकिंग मटेरियल ले लिया, नेट कॉस्ट आ गया. बट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते समय ये देखिए, ये 6,000 प्लस 21,000 माइनस खाली नॉर्मल लॉस किया, एबनॉर्मल लॉस वाला नहीं किया. तो एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं करने का कारण होता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस माइनस करने से क्या हो रहा है ना, एक्चुअल क्वांटिटी आ जा रहा है. एबनॉर्मल लॉस माइनस करने से क्या हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी आ जा रहा है. जैसे ये 26,430 की एक्चुअल क्वांटिटी, अब एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं कर रहे हो तो आ जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ठीक है, अगर एबनॉर्मल लॉस हम माइनस नहीं करते ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हिसाब से माइनस 150 भी होना चाहिए था, अगर आप 150 माइनस नहीं करो तो इसका मतलब जो क्वांटिटी आ रहा है वो आ रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो रूल के हिसाब से फिर ये कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये कॉस्ट नहीं लेना चाहिए था, फिर कॉस्ट में भी इसको ऐड बैक करना चाहिए था. मतलब एक होता है स्टैंडर्ड रेट से वैल्यूएशन करो, एक होता है एक्चुअल रेट से वैल्यूएशन करो. तो एक्चुअल कॉस्ट ले रहे हो तो एक्चुअल क्वांटिटी लो. यहाँ पे क्वांटिटी स्टैंडर्ड ले रहे हैं और फिर कॉस्ट एक्चुअल ले रहे हैं, ये मजा नहीं आ रहा. तो अगर आप क्वांटिटी से हटा रहे हो इफेक्ट, तो कॉस्ट से भी हटाना चाहिए, नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और एम्बिग्विटी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये सब मैं आपको वापस बता दूं, जिससे आपका नज़र पड़े, एग्ज़ाम में आप और सावधान रहें.
हर समय सजेस्टेड आंसर को फॉलो ना करें। इंस्टीट्यूट क्लियर क्लियर अपने सजेस्टेड आंसर पे लिखता है कि सजेस्टेड आंसर आर ओनली फॉर रेफरेंस, दे आर नॉट सपोज टू बी मेंट एज अ कंक्लूसिव आंसर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। सो योर पेपर मे बी चेक्ड इन एनी अदर वे ऑल्सो इफ़ यू राइट योर अजम्पशंस एंड रीजन्स लॉजिकली।